दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि चुनाव लगभग अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और जब चुनाव शुरू होता है और चुनाव वाले दिन तक, जिस दिन तक वोट डलनी होती हैं, उसकी सारी एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए। कई ईमानदार बुद्धिजीवी समाज से भी ये मानकर चलते हैं या चल रहे हैं, और उसमें सच्चाई भी है, लगती भी है, कि चुनाव या राजनीति एक धंधा बनकर रह गई है। तो ये तो बहुत लंबा विषय है कि इस पर पूरा एक कई सौ पेज की बुक लिखी जा सकती है, लेकिन हम फिलहाल जो चुनाव चल रहे हैं उसको उसी दायरे में सीमित रखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जब चुनाव प्रक्रिया शुरू होनी होती है तो उससे पहले से चुनाव होने तक उम्मीदवार को, किसी भी उम्मीदवार को आम तौर पर जिन परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ता है, मैं उन पर चर्चा करने जा रहा हूं। लेकिन मैं जो चर्चा करूंगा वो ना तो हर एक व्यक्ति पर लागू होती है, ना हर एक उम्मीदवार पर लागू होती है, ना हर एक पार्टी पर लागू होती है, लेकिन वो सब होता है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। और इसको यूं भी कह सकते हैं कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है, कैसे जीता जाता है, उसके लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, और इस सब में जो कोई, जब कोई व्यक्ति या उम्मीदवार पीएचडी किए हुए होता है, वो ही आमतौर पर चुनाव जीतता है या एमएलए बनता है, एमपी बनता है, बाद में जाके मंत्री बनता है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं कि आप जानते हैं कि चुनावों से पहले हाई कमान जिला स्तर से या स्टेट लेवल पर भी संभावित उम्मीदवारों की सूचियां मंगाता है या तैयार करता है, ये सबको मालूम है। लेकिन जो हाईकमान होता है वो भी ये देखता है कि भाई इनमें से कौन सा उम्मीदवार सर्वगुण संपन्न है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, किस जातीय समूह से है, और इसकी आर्थिक स्थिति क्या है, और ये पार्टी फंड के नाम पर क्या दे सकता है, ये सारी स्थितियां देखी जाती हैं। और उसमें ये भी होता है कि पहली चीज तो ये होती है कि भई ये क्या चुनाव जीत सकता है, लेकिन चुनाव जीतने वालों में तो दो तीन चार पांच उम्मीदवार तक होते हैं जो जीत सकते हैं, लेकिन हर उम्मीदवार वो शर्तें पूरी नहीं कर पाता जो भी पार्टी हाईकमान या पार्टी के नेता जिसको टिकट देते हैं, हर एक को टिकट नहीं मिल पाता। मैं सभी पार्टी के हाईकमान नेताओं से माफी चाहते हुए ये कहना चाहता हूं कि ये सब कुछ दिखता है, जनता जानती है, ये पब्लिक सब जानती है कि टिकट खरीदे भी जाते हैं। कई नेता नोटों की गड्डियों के दम पर, और वो आजकल तो वो करोड़ों में होता है, टिकट खरीद कर ले आते हैं। मैं
ऐसे ऐसे नेताओं को भी जानता हूं जो एक पार्टी के चार टिकट पैसों से खरीद कर लाया और अपने ही परिवार के चार लोगों को चुनाव लड़वाया। कहने का तात्पर्य यह है कि पैसा राजनीति में कितना हावी हो गया, कितना जरूरी हो गया है, और ये भी आप कह सकते हैं कि सारी राजनीति ही पैसे के इर्द गिर्द घूमने लगी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिकट आ गया और पार्टी फंड में पैसा भी चला गया, वो उम्मीदवार की हैसियत के अनुसार होता है। खैर, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। जो नेता चुनाव लड़ने के बाद, विधायक एमपी बनने के बाद या मंत्री बनने के बाद निश्चित तौर पर धन कमाते हैं, तो पार्टी चलाने के लिए भी धन की जरूरत होती है। इसलिए हाई कमान उनसे अपेक्षा करता है कि वो पार्टी फंड में पैसा दें और पार्टी को चलाने के लिए, चुनाव लड़वाने के लिए, पार्टी कार्यालय चलाने के लिए भी पैसे की जरूरत होती है। तो जिन विधायकों ने, मंत्रियों ने, सांसदों ने खूब मोटी चांदी काटी होती है, तो उस पर नजर हाईकमान की भी होती है और उसमें उससे पार्टी फंड के नाम पर पैसा लिया जाता है। और चूंकि वो पार्टी फंड में पैसा देता है, तो उसके कहने से पार्टी हाईकमान उसके रिकमेंडेशन पर उसके लोगों को टिकट देने की भी कोशिश करता है। ये आम तौर पर हर जगह उदाहरण मिल जाएंगे। लेकिन सब कुछ मिलाकर ये राजनीति या चुनाव एक व्यापार सा लगता है। लेन देन का सारा कुछ सिस्टम चलता है। जब किसी उम्मीदवार को किसी पार्टी का टिकट मिलता है और जिसके हक में हवा बह रही होती, लगता है कि ये चुनाव जीत जाएगा और अब इस पार्टी की हवा बह रही है, तो आम तौर पर उसका नाम डिक्लेयर होने के साथ कि ये हमारा उम्मीदवार है, उसी टाइम उसको नोटों की गड्डियां चुनाव फंड के नाम पर मिलने लगती हैं। पैसा देता कौन है? पैसा देने वालों में उद्योगपति, बड़े व्यापारी, बिल्डर, खान माफिया, रेत माफिया, शराब माफिया, दो नंबर के अमीर आदि सब होते हैं। तो मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि जैसे ही किसी उम्मीदवार का कोई पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित करती है और लगता है कि भाई ये उम्मीदवार जीत सकता है, या हवा इस पार्टी के उम्मीदवार के हक में बह रही है, या ये पार्टी इस बार सत्ता में आ सकती है, तो मैंने लिस्ट बताई कि उस उम्मीदवार को गड्डियां, नोटों की गड्डियां देने के लिए उद्योगपति, बड़े व्यापारी, बिल्डर, खान माफिया, रेत माफिया, शराब माफिया, दो नंबर के अमीर गड्डियां लेकर आ जाते हैं। जी, ये आपके चुनाव फंड के लिए है और ये हमारी तरफ से भेंट है और आपका चुनाव में खर्चा होगा, तो ये रख लीजिए। ये बहुत सारी घटनाएं हैं। एक सांसद का चुनाव था जो पिछला ही 2024 का था, मैं नाम नहीं लूंगा, क्षेत्र भी नहीं बताऊंगा कि क्या था। तो कई उद्योगपति जिनका इसको मुझे पता चला अपने सोर्सों से, तो 11-11 लाख की गड्डी अपने आप बिना मांगे उस लोकसभा के उम्मीदवार को दे आए, बिना मांगे। चर्चा हुई कि भाई क्यों दे के आए, कि भाई इनकी सत्ता है,
इनसे काम भी पड़ता है, काम भी करवाने पड़ते हैं, और नहीं देंगे काम भी ना पड़े तो कम से कम हमारा नुकसान तो नहीं करेंगे। तो ये आमतौर पर उन लोगों का कहना होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो उम्मीदवार को यदि लाखों करोड़ों इकट्ठे होते हैं चुनावी फंड के नाम पर, तो उसको भी खर्च करने पड़ते हैं। अब जैसे लास्ट मोमेंट चुनावों की आ गई है, 2-3 दिन बचे हैं चुनावों में, तो जो उम्मीदवार है उसको भी ये बताया जाता है या उसे पता भी होता है, यदि पुराना उम्मीदवार होता है या पुराना नेता होता है, कि किस किस के हाथ में वोटों की पॉकेट है, पैकेट है, कौन लोग हमें वोट ज्यादा से ज्यादा दिला सकता है और किसको हमें अपने हक में करना है, और ये बिना पैसे लिए जो इनके पीछे वोट हैं वो नहीं दिलाएंगे। और एक वो लिस्ट बनाते हैं कि कौन कौन लोग पैसे लेकर वोट दिलाएंगे। तो मोटे तौर पर मैं ये भी लिस्ट बता देता हूं, लेकिन दोस्तों मैं बड़ी स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि सब लोग ऐसे नहीं होते जो पैसे लेकर वोट देते हैं या दिलवाते हैं। लेकिन यह बात तय है कि चुनावों में पैसा चलता है, वोटें भी खरीदी जाती हैं, पर वोट के हिसाब से भी पैसा चलता है। वो 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, और शराब के अधे पौवे बोतल भी हो सकती हैं जिनसे वोटें खरीदी जाती हैं। तो अब ये जो जिनसे वोटें खरीदी जाती हैं या उनके पक्ष में लिया जाता है या उनको जीतने के बाद लाभ पहुंचाने का वादा किया जाता है, तो इस श्रेणी में आप रख सकते हैं किसी भी पार्टी का पार्षद, पंच, सरपंच, जातीय ठोंडा, यानी किसी भी जाति के ऐसे लोग जो चुनावी सभाओं में भीड़ बढ़ाते हैं, गरीबों को बस में या ट्रकों में भरकर, ट्रालियों में, ट्रक ट्रालियों भरकर ले जाते हैं, उनकी पर व्यक्ति के भाई 500 रुपये में आया, 1000 रुपये में आया है, तो भीड़ बढ़ाने के लिए भी ऐसे लोग हैं जिनके पीछे 100, 200, 500, 1000 लोग हैं, और जिससे भीड़ लाने के लिए, जनसभा को कामयाब करने के लिए भीड़ को ले जाया जाता है। और आपने आमतौर पर देखा होगा कि जब चुनावों में कई पत्रकार उनसे पूछते हैं कि आप कैसे आए हो, कौन लाया है, किस पार्टी के सपोर्टर हो, तो उन्हें कुछ नहीं पता होता। वो तो हम बोलते हैं जी हमें तो वो फलाना लेकर आया है, हमें ये खाने का पैकेट है और 500 रुपये का नोट मिलेगा या 1000 रुपये मिलेंगे। ये तो एक स्थिति होती है। इसके अलावा मैंने बताया किसी हर जाति में कुछ प्रभावशाली लोग होते हैं, अपना ग्रुप बनाकर रहते हैं, या वो मोहल्ले का भी हो सकता है, वो किसी सेक्टर का भी हो सकता है, किसी गांव का भी हो सकता है, किसी कॉलोनी का भी हो सकता है, किसी गली का भी हो सकता है, वो जातीय ठेकेदार भी हो सकता है, धर्म का धंधेबाज भी हो सकता है कि मैं अपने धर्म वालों की इतनी वोटें दिला दूंगा या मैं अपने जाति वालों की इतनी वोट दिला दूंगा। लेकिन सब मामलों में उम्मीदवार को पता होता है आमतौर पर कि हाँ भाई इसके पीछे कुछ वोट हैं, तो उसकी जो उसके पास आता है पैसा तो उसमें से वो खर्च भी करता है। मैंने बताया कि इनमें धार्मिक संगठन भी शामिल हैं जो पैसा लेते हैं, कुछ बाबे भी शामिल हैं, उनके बड़े बड़े आश्रम हैं, या मैं माफी के साथ चाहूँगा हर एक कोई नहीं होता, लेकिन ये भी पता है
कि बहुत सारे बाबे हैं, उनके पीछे हजारों लाखों फॉलोअर होते हैं और अपने फॉलोअर्स के दम पर वो उम्मीदवारों को, नेताओं को प्रभावित करते हैं, और प्रभावित ही नहीं करते, ये नेता वहां जाके उस बाबे के चरणों में धोख लगाते हैं, चरण वंदना करते हैं और मंदिर या आश्रम के नाम पर कि ये हमारी तरफ से भेंट है, तुच्छ भेंट है आपके मंदिर के लिए, आश्रम के लिए, तो इस तरीके से उनको रिश्वत दी जाती है। और वो धार्मिक संगठन किसी भी जाति, समूह या धर्म का हो सकता है, लेकिन उम्मीदवारों की भी ये मजबूरी है, क्योंकि इन बाबाओं के पीछे, धार्मिक नेताओं के पीछे उनके हजारों लाखों फॉलोवर्स होते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि राजनीति भी, चुनाव भी इस हाथ दे उस हाथ ले, और जब ये नेता जीत जाते हैं तो ये वोट दिलाने वाले संगठन या तो उन्होंने पैसा लिया होता है, या फिर अब उन नेताओं के जो उनको फंड मिलता है जीतने में सरकार की तरफ से, कि आप अपनी इच्छा के अनुसार भाई 1 करोड़ है 2 करोड़ है 5 करोड़ है साल में, तो उस मंदिर को है, कोई छोटा उनका स्कूल है, कोई धार्मिक संगठन है, सामाजिक मतलब कोई एनजीओ है, तो इस तरीके से फिर उनको नेता, एमएलए या मंत्री ओबलाइज करते हैं। तो लब्बो लुबाब ये है कि राजनीति सारा पैसे का खेल हो गया है और सब लाइन में लगे हैं, कोई पैसा देता है तो कोई लेता है, लेकिन ये एक चक्रव्यूह है, सब अपनी अपनी स्थिति का फायदा उठाते हैं। और इसीलिए जो नेता हैं, कई नेता तो ऐसे होते हैं, उम्मीदवार ऐसे होते हैं कि वो इतना चंदा उनके पास चुनावी फंड में आ जाता है कि वो चुनाव लड़ भी लेते हैं और बचा भी लेते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि भाई उतना चुनावी फंड ले मिलता है, जेब से खर्च करना पड़ता है, वो उम्मीदवार के स्टेटस के अनुसार होता है। तो जिन लोगों ने उम्मीदवारों को, अपने अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों को पार्टी फंड के नाम पर लिफाफे या गड्डियां देनी थी, वो तो समय निकल चुका है, उन्हें मिल चुकी हैं। अब नंबर है उम्मीदवार का, वो लिस्ट बन रही है कि किस क्षेत्र के किस ठोंडा को गड्डी पहुंचानी है, नोट पहुंचाने हैं, किस पार्षद को, किस पंच को, किस सरपंच को, किस जातीय समूह के ठोंडा को, प्रभावशाली लोगों को जिनके पीछे 100, 200, 500, 1000, 10000 या 1,00,000 वोट हैं, ऐसे जो है चुनाव जीतने का इंतजाम किया जाता है। तो ये मैं कोई अनोखी बात नहीं बता रहा, आम तौर पर सब लोग जानते हैं, आप जानते हैं कि चुनाव के दौरान बड़ा मोटा कैश पकड़ा भी जाता है, जो अद्धे पौवे बोतल शराब की बटनी होती हैं वो भी बटती हैं, लेकिन पकड़ी भी जाती हैं। और ये शराब वराब तो भाई किसको अंग्रेजी देना है, किसको देसी पौवा देना है, वो कुछ मलिन गरीब बस्तियां होती हैं, सिलम बस्तियां होती हैं, जो शराब में मान जाते हैं, या प्रति वोट 500 मिल, मतलब जो जिसकी हैसियत है उनकी वोट खरीदी जाती है। तो दोस्तों, मैंने कहा था शुरू में कि चुनाव का ये अंतिम पड़ाव, अंतिम दौर शुरू हो गया है, और मैंने पहले फेस में देने वालों के नाम गिनाए, और अब जो उम्मीदवार को देने हैं उनकी भी लिस्ट बनाई। तो ये लोकतंत्र में ये राजनीति का धंधा चलता है, ना तो स्वच्छ छवि के लोग या उनको इतना अच्छी छवि, मतलब अच्छी छवि के ऐसा नहीं कि उम्मीदवार हैं ही नहीं, लेकिन ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि अच्छी बैकग्राउंड वाला समाज से भी उसको आमतौर पर कोई नहीं पूछता,
पैसे वालों को पूछा जाता है, जिनके पास पैसा नहीं है उनको कोई नहीं पूछता, और आज की तारीख में जो टिकट मिलते हैं वो या तो मोटा प्रॉपर्टी का धंधा करता हो, बिल्डर हो, या मैंने बताया कि भाई कोई उद्योगपति हो, खान माफिया हो, पत्थर खान माफिया हो, रेत माफिया हो, या दो नंबर का अमीर हो। आप लिस्ट निकाल के देख लीजिए, ज़्यादातर ऐसे लोगों को ही टिकट मिलते हैं और आम तौर पर जीतते हैं। और इस समस्या जो कि लोकतंत्र के लिए बड़ी घातक है, और अच्छे लोगों का राजनीति में आना बहुत कम हो गया, आ रहे हैं लेकिन कम हो गया है, इसको कैसे समाप्त किया जाए, तो ये तो चुनाव आयोग या जनता में जागरूकता फैलाकर ही इस पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन यदि पैसे का इसी तरीके से चुनावों में प्रभाव चलता रहा तो ये लोकतंत्र का गला घोटने जैसी बात है, और इसके चलते हमारे सही उम्मीदवार जो सही जनसेवक हों वो विधानसभा में या लोकसभा में नहीं पहुंच पाएंगे। फिर यही होगा कि जो 100 वादे करेंगे बमुश्किल 10% वादे करेंगे, 90% छूट जाएंगे, और जो भी काम होगा नौकरशाहों में, नेताओं में, विधायकों में, मंत्रियों में पैसा बट जाता है, जो आम तौर पर लोगों के टैक्स से किया हुआ पैसा होता है, और आम जनता जो है विकास का मुंह ताकती रह जाती है, चाहे वो 5 साल गुजर जाएं, चाहे 10 साल गुजर जाएं, और वो विकास कार्य किसी भी विधानसभा क्षेत्र में या लोकसभा क्षेत्र में या शहर में हो नहीं पाते। इसीलिए जनता विद्रोह भी कर देती है, ऐसे उम्मीदवारों को हरा देती है। लेकिन जो अगली बार या अगली पार्टी का जो बंदा चुनाव लड़ता वो भी उसी पैटर्न पर चलता है, लेकिन 5 साल में ये जरूर है कि जनता को अपना गुस्सा निकालने का मौका मिल जाता है। यदि चुनाव ना हो तो ये जो नेता थोड़े बहुत जनता से डरते हैं वो भी बंद हो जाएं। लेकिन मैं अपने इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले ये जरूर कहना चाहता हूँ कि ना तो हर कोई वोटर बिकाऊ होता है, ना हर कोई नेता बेईमान होता है, और ना कोई ठोंडा हर एक जातीय समूह पैसा लेते हैं, लेकिन 10 से लेकर 25% तक वोटरों तक किसी ना किसी रूप में पैसा जरूर चलता है। यहाँ तक भी कि मीडिया भी मैनेज किया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे चुनाव होता है, ऐसे टिकट मिलते हैं, ऐसे चुनाव जीते जाते हैं, तो ये मैंने मोटा मोटा आपको बताने की कोशिश की है। आप इस मुद्दे से जो मैंने गिनाए हैं, सारा प्रोसेस गिनाया है, उससे आप कितने सहमत हैं, यदि सहमत हैं तो कमेंट्स में लिखें और हमें बताएं कि क्या मैंने सही मुद्दा उठाया है, क्या ऐसे आगे भी मुद्दे हमें उठाते रहने चाहिए। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना, मिलते हैं कल फिर किसी नए मुद्दे पर नए एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।